बुक्स, किताबें बहुत कम लोग पढ़ते हैं आजकल, ज़्यादातर लोग ऑनलाइन जो आ चुके हैं। लेकिन बुक्स पढ़ने का अपना ही एक मज़ा ज़रूर होता है। जहाँ तक बात है समझने की, सीखने की कोई नई चीज़ें, तो स्टॉक मार्केट भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो सकता है किसी के लिए भी जो डायरेक्टली प्रॉफिट लेवल पे काम करता है, मतलब पैसा कमा के देता है अगर आपने सीख के निवेश किया है तो। इसलिए किताबें सर्टेन लेवल पे मदद कर सकती हैं। और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे 5 ऐसी किताबें जो स्टॉक मार्केट में अगर आप कदम रखना चाहते हैं या रख चुके हैं और हिंदी में सीखना चाहते हैं, तो हिंदी में वो कौन सी 5 किताबें हैं जिनको आप समझ के पढ़ के अच्छे से स्टॉक मार्केट सीख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे किसी भी ट्रेडर की जर्नी होती है, जो शुरू करता है मार्केट में पैसा लगाना, वो काफ़ी कुछ चीज़ें को समझना चाहता है, उसको पता ही नहीं कि क्या टर्मिनोलॉजी है, उसका मतलब क्या है। तो शुरुआत में जो किताबें उनको सीखनी चाहिए, जो पढ़नी चाहिए, वो बहुत बेसिक लेवल की होनी चाहिए। और धीरे धीरे बाय टाइम जैसे एक ग्रिप बनता जाए मार्केट का, नॉलेज का, कॉन्सेप्ट्स का, तो उसके बाद थोड़ी सी एडवांस्ड बुक वो पढ़ सकता है। जनरली अगर मैं बताऊं तो इंग्लिश के कंपैरिजन में हिंदी में बहुत कम किताबें हैं जो स्टॉक मार्केट के ऊपर लिखी गई हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। और जो लिखी गई हैं वो भी कोई वर्ल्ड क्लास लेवल की, मतलब जितना कंपटीशन लेवल पे इंग्लिश में देखा जाता है, वो हिंदी में किताबें काफ़ी लिमिटेड हैं। लेकिन फिर भी जो हैं उनमें से जो अच्छी किताबें हैं वो एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहली किताब, अगर आप एक बिगिनर हैं, शुरुआती कदम रख रहे हैं मार्केट में, तो एक किताब जो आप यूज़ कर सकते हैं वो है शेयर मार्केट गाइड। अब इस नाम से आपको काफ़ी किताबें मिल सकती हैं, लेकिन इसके पर्टिकुलर राइटर हैं सुधा श्रीमाली जी। सुधा जी ने ये किताब लिखी है, शी हैज़ बीन राइटिंग फॉर अ वाइल नाउ, बुक्स वगैरह में कम, लेकिन ये काफ़ी कुछ लेवल पे नवभारत टाइम्स मुंबई के लिए फॉर एग्जांपल लिख चुकी हैं फाइनेंशियल स्पेस के ऊपर। ये बुक इनकी पहली किताब है इस डायरेक्शन में, और इस किताब में इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। जोधपुर से आती हैं ये राइटर, और करीब 28 से 29 चैप्टर हैं इस किताब में, तो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड है। जहाँ पे आप शुरू करेंगे कि आप शेयर मार्केट को जान सकते हैं, उसकी प्राइमरी मार्केट की बात कर रहे हैं, सेकेंडरी मार्केट की, फिर इंडेक्स की बात की है, फिर हाउ डज़ एक शेयर को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं उसके ऊपर नज़र डाली गई है, म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात की है, कमोडिटी मार्केट के बारे में, करेंसी मार्केट के बारे में। लेकिन ये एक बेसिक्स लेवल की किताब है, मतलब सभी कॉन्सेप्ट्स को टच किया गया है, किसी में डिटेल में नहीं जाया गया है। अब अगर आप बिगिनर हैं तो आपको हल्का फुल्का आइडिया ही चाहिए शुरुआत में, तो उसके लेवल पे ये किताब अच्छी दिखती है, जहाँ पे आप एक शुरुआत ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप इसको ऑनलाइन ख़रीदेंगे तो मेरे ख्याल से 189 रुपीज़ में आपको इसका पेपरबैक मिल जाएगा, हार्ड कवर 334 रुपये का है। तो ये किताब है बिगिनर लेवल के निवेशक के लिए, जो बिगिनर से थोड़ा सा आगे कदम जा चुका है, अब उसको ट्रेडिंग में नीतियाँ चाहिए, स्ट्रेटजीज चाहिए, टिप्स चाहिए कुछ लेवल पे, तो उनके लिए एक किताब है जिसका नाम है ट्रेड नीति। ट्रेड नीति कैसे बने एक सफल प्रोफेशनल ट्रेडर, इसके राइटर हैं युवराज कलाशेट्टी जी। अब इनके अनुसार करीब 70% जो ट्रेडर होते हैं वो पहले 6 महीने में ही अपनी ट्रेडिंग जर्नी बंद कर देते हैं, रोक देते हैं, क्योंकि उनको नुकसान अच्छा खासा हो जाता है। मेरे अनुसार 85-90% ट्रेडर्स मार्केट छोड़ देते हैं, लेकिन इनके नंबर्स के अनुसार चलें तो 70% लाइफ टाइम वैल्यू रहती है, मतलब 6 महीना उससे ज़्यादा नहीं टिकते। और क्यों ऐसा होता है वो इस बुक में बताया गया है। जनरल लेवल पे जो नुकसान होने के कारण होते हैं वो शेयर मार्केट की कम नॉलेज और ना समझी में ट्रेडिंग करना, बिना सोचे समझे एंट्री एग्जिट पॉइंट लगाना, स्टॉप लॉस बेसिक गलतियाँ करना, और उसके बाद मार्केट से एक्सपेक्टेशन करना कि अच्छे रिटर्न्स देंगे। तो ये किताब अच्छे लेवल पे बताने की कोशिश करती है एक बेसिक भाषा में, तो आसान भाषा का इस्तेमाल किया गया है। शेयर मार्केट ही नहीं, कमोडिटी और करेंसी मार्केट के बारे में भी बात की गई है, और स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट्स ऑफ ट्रेडिंग में, चाहे पोजिशनल हो, चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, तो उस लेवल पे ये किताब बात करती है। ये किताब करीब 990 रुपये की है, महंगी किताब है एज़ कंपैरिजन टू अदर बुक्स दैट वी गोना टॉक अबाउट, बट सर्टेन लेवल पे अगर आप स्ट्रेटजीज जानना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं।
तो स्ट्रेटेजी जान ली। अब अगर आप एक टेक्निकल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको और स्पेसिफिक किताब चाहिए होगी, तो उसके लिए आप टेक्निकल एनालिसिस और कैंडलस्टिक की पहचान नाम की एक किताब है, गाइड टू टेक्निकल एनालिसिस एंड कैंडलस्टिक्स, इसके इंग्लिश वर्जन भी है और मोस्ट लाइकली ये उसका ट्रांसलेशन है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। ये किताब रवि पटेल नाम के एक ऑथर ने लिखी है। इस किताब में कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं जिसमें स्टॉक मार्केट एनालिसिस के इंट्रोडक्शन की बात शुरुआत में की गई है, फिर टेक्निकल एनालिसिस की, फिर कैंडलस्टिक्स की, फिर चार्ट पैटर्न्स की, इंडिकेटर्स की, टेक्निकल एनालिसिस किस तरह से करना है, उनके अलग अलग स्टेप्स क्या हैं उसके बारे में बताया गया है, स्टॉप लॉस का थ्योरी बताया गया है, स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करना है उसके बारे में बताया गया है, कुछ केस स्टडीज़ दी गई हैं ताकि आपका जो सीखने का पैटर्न है वो थोड़ा आसान हो सके। टेक्निकल एनालिसिस में कैंडलस्टिक्स और पैटर्न्स की अगर आपको समझ हो जाए, इंडिकेटर्स को लगाना आ जाए और उसके बेस पे ट्रेडिंग डिसीजन लेना आ जाए, कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है, क्या स्टॉप लॉस, क्या टारगेट प्राइस लगाना है आपको, स्टॉक कौन सा सेलेक्ट करना है, किस बेस पे सेलेक्ट करना है, ये सब चीज़ें आ जाएँ तो आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग और कुछ हद तक स्विंग ट्रेडिंग में भी मदद हो जाती है। अब ये किताब उतने डिटेल में नहीं जाती जितने की उम्मीद की जा सकती है कि आपको एग्जैक्ट लेवल पे बताया जाए। हाँ, आपको अच्छा खासा बताया जाता है, बट एज़ माय अंडरस्टैंडिंग इसमें थोड़ी और इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती थी। तो अगर आप अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं इन पैटर्न्स की, इंडिकेटर्स की, तो सर्टन लेवल पे इसको यूज़ कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से किताब ठीक दिखती है। अब इंट्राडे एक अलग तरीका है, एक काफ़ी स्पेसिफिक ट्रेडर सेट का एक मोड ऑफ ट्रेडिंग है, वहीं पे इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स भी मल्टीपल टाइप्स होते हैं, और अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर हैं तो वॉरेन बफे का तो नाम आपने सुना होगा। वॉरेन बफे के हिसाब से, मतलब नॉट एग्जैक्टली, इट्स नॉट द जो बुक हम बोलने वाले हैं वो वॉरेन बफे ने नहीं लिखी है, वो लिखी है रॉबर्ट जी हैंगस्टॉम ने। किताब का नाम है वॉरेन बफे के निवेश के रहस्य। तो बताने की कोशिश ये की जा रही है कि वॉरेन बफे किस तरह से निवेश करते हैं। अब ये इंग्लिश बुक का ट्रांसलेशन है, इंग्लिश बुक का नाम था द वॉरेन बफे वे, उसका हिंदी अनुवाद किया गया है, तो एक्चुअल में ये हिंदी किताब बाय ओरिजिनलिटी नहीं है। अब ये किताब मिल जाएगी आपको 335 रुपए के करीब में किंडल और 600 रुपए का पेपरबैक एडिशन है इसका। वैल्यू इन्वेस्टिंग के ऊपर बात करेंगे मोस्ट लाइकली ये, जिसमें कि आपको अंडर वैल्यूड स्टॉक्स किस तरीके से निकालने हैं, उसके बाद उसमें पैसा लगा के जब ये अच्छे खासे बुलिश पॉइंट पे पहुंच जाएं वहाँ से एग्जिट कर लेना चाहिए, इसके बारे में बात की जाएगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ऑब्वियसली ये किताब है। उसके अलावा ये भी बताया जाता है कि अपने इमोशंस को आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, अगर आपका नुकसान हुआ है तो घबराने का नहीं, और अगर आपका फ़ायदा हुआ है तो खुश होने का नहीं, जस्ट मूव ऑन विद द नेक्स्ट ट्रेड, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद आप सर्टेन लेवल पे एक प्रॉफिटेबल साइकिल अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। ये इस किताब में बताने की कोशिश की गई है। वॉरेन बफे का के निवेश का रहस्य इस किताब का नाम है, इंग्लिश इसका ट्रांसलेशन ऑब्वियसली है इसका द वॉरेन बफे वे, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। इस लिस्ट में आखिरी किताब काफ़ी ऑब्वियस किताब है जो कि हमेशा हर वीडियो रिव्यू में रहनी चाहिए, और वो किताब का नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। अब इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जो हिंदी में अनुवाद किया गया है वो किया है मिस्टर जाकिर आलम ने। अब जाकिर आलम जी ने जो ये किताब हिंदी में ट्रांसलेट की है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2020 जनवरी में ही की है पिछले साल, और ये किताब आपको 499 रुपये में हार्ड कवर मिल जाएगी। ऑब्वियसली इसमें कुछ नया एडिशन नहीं है, ओरिजिनल जो किताब है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर उसका हिंदी ट्रांसलेशन है, बट बढ़िया ट्रांसलेशन है, इसको पढ़ सकते हैं। तो जिनको इंग्लिश में समझ द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर नहीं आई है, जो हिंदी को प्रेफर करते हैं वो इस किताब को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एक क्लासिकल बुक है, अपने ही एक उसका क्लास है, अपने ही लेवल की किताब है। मतलब उसमें आपको शेयर मार्केट के बियॉन्ड जाके इन्वेस्टमेंट स्पेस के एक मेंटेलिटी प्रदान की जाती है इस किताब में, कि किस तरीके से, चाहे आप ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, आपका स्विंग लेवल का है, पोजीशन लेवल का है, बीटीएसटी करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, डज नॉट रियली मैटर, लेकिन इंटेलिजेंटली अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका मुनाफा ही होगा ज़्यादातर लेवल पे, हमेशा तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता। तो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का हिंदी ट्रांसलेशन ज़रूर पढ़िए। ये थी इस लिस्ट की पांचवी किताब, और इस पूरे वीडियो में हमने पांच किताबों की बात की है, डिपेंडिंग कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी में आप कहाँ हैं।
अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। होपफुली आपको इसकी समझ आई हो अच्छे से। किताबों को पढ़ना चाहिए सर्टेन लेवल पे अगर आप प्रेफर करते हैं, और अगर आप इन किताबों को यूज़ करना चाहें आपको ओनली आपको गूगल पे जाना है, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं, सर्टेन लेवल पे आपको मदद मिलेगी। होपफुली ये लिस्ट आपको पसंद आई हो, होपफुली इस लिस्ट के बाद आप पढ़ना शुरू करें, और अगर आप पढ़ के सीख के ट्रेडिंग करते हैं तो सर्टेन लेवल पे होपफुली अगेन आपकी प्रॉफिटेबल जर्नी शुरू हो सकी है। बाय द वे अगर आप खुद से सीखना चाहें तो स्टॉक पाठशाला भी है आपके पास, जो कि एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जो ऑनलाइन अगर आपको स्टॉक मार्केट के कोर्सेज सीखने हैं। तो अभी के लिए दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। बाय।